वेलकम टू योर चैनल वर्चुअल असिस्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स की जो हर दराज का सेलर करता है, इंक्लूडिंग मी एंड स्पेशली न्यू सेलर्स। तो अगर आप Daraz.pk के सेलर हैं या बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका VA और Daraz.pk से रिलेटेड ये मेरी फोर्थ वीडियो है। अपनी लास्ट 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप Daraz.pk पर सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह मैंने सिर्फ 2000 रुपये से Daraz.pk पर ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था, उन प्रोडक्ट्स के नाम तक बताए थे आपको मैंने। और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फुलफिलमेंट बाय Daraz क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। और आज मैं उन मिस्टेक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो हर Daraz का सेलर करता है, स्पेशली न्यू सेलर इंक्लूडिंग मी। कि जब मैंने नया Daraz पे बिजनेस शुरू किया था तो मैंने क्या मिस्टेक्स की थी, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ ताकि आप उन मिस्टेक्स को ना रिपीट करें। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो मिस्टेक्स Daraz.pk पर सेलर्स करते हैं वो ये हैं। नंबर 1, विदाउट एनी प्रोडक्ट रिसर्च हम अपने सेलर अकाउंट में प्रोडक्ट्स को अपलोड करने लग जाते हैं। हमारा फोकस उनमें होता है जो प्रोडक्ट हमें पसंद होते हैं, जिन पे हम काम करना चाहते हैं, जबकि हमें करना ये चाहिए कि जो कस्टमर को चाहिए, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, जो कस्टमर इंटरेस्ट ले रहा है जिन प्रोडक्ट्स में, हमें उन पे काम करना चाहिए। तो यही वो फर्स्ट मिस्टेक है जो हर Daraz का सेलर करता है कि वो प्रोडक्ट अपलोड कर लेता है अपनी मनपसंद के और उसके पास उसको कोई ऑर्डर्स नहीं आते और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। नंबर 2, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स अपलोड करने लग जाते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम सिर्फ 2 या 3 या मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट्स पे काम करें, पहले उनकी रैंकिंग पे, उनकी सेल्स पे, इस पे फोकस करें। बट हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें पसंद आ रहा होता है, जो प्रोडक्ट हमें नज़र आ रहा होता है, हम बस उसको अपलोड करने लग जाते हैं। नंबर 3, गिव अवेज नहीं करते। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें थोड़ी सी शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, थोड़ा सा लॉस भी बियर करना पड़ता है, गिव अवेज भी करनी पड़ती है, मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बिजनेस हो। बट हम क्या चाहते हैं कि हम बस प्रोडक्ट अपलोड करें और हमें ऑर्डर्स आने लग जाएं। तो ऐसा नहीं होता, हमें गिव अवेज करना पड़ता है, हमें थोड़ा फ्री देना पड़ता है लोगों को, अपने जानने वालों को, और उनसे रिव्यूज़ लेने होते हैं। ये सब करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो रैंकिंग में आता है और उसके बाद हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर आते हैं, हमारी सेल शुरू होती है। नंबर 4, Daraz के प्रोसेस को समझे बगैर उस पर काम शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद जब हमें ऑर्डर आ जाता है कोई, तो हम एकदम घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें, इसको प्रोसेस किस तरह करें। फिर लोगों से पूछ रहे होते हैं, ग्रुप्स में जा रहे होते हैं, यूट्यूब में सर्च कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए ये कि हम पहले इस पूरे प्रोसेस को समझ लें और उसके बाद इस पर काम शुरू करें। नंबर 5, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो हम उसकी पिक्स या वीडियोस नहीं बनाते एज अ प्रूफ। तो उसका नुकसान क्या होता है कि अगर कस्टमर हमारे साथ फ्रॉड कर लेता है तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हम Daraz वालों को प्रूफ दिखा सकें कि हमने सही प्रोडक्ट भेजा था, जिसकी वजह से हमें लॉस बियर करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की मिस्टेक्स मैं अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस आती रहेंगी फ्यूचर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।